चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एक और मजेदार वीडियो। और आज है हमारे पास दो इंटरेस्टिंग गेमिंग हेडसेट। एक है अपना कॉस्मिक बाइट H11 जो काफी दिनों से अपना फेवरेट हेडसेट है अंडर 1000 रुपीज। दूसरा है एक रिसेंटली लॉन्च गेमिंग हेडसेट एंड दैट इज कॉस्मिक बाइट यूरानोस RGB गेमिंग हेडसेट। करने जा रहे हैं दोनों ही हेडसेट का डिटेल कंपेरिजन और बताएंगे दोनों में से आपको कौन सा हेडफोन लेना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही हेडफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोनों ही हेडफोन जो है कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड के साथ में ही आते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सेम टू सेम ही है। दोनों ही हेडफोन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस दोनों ही हेडफोन को आप वेरी इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर का जो हिंजेस है इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्लास्टिक। इन टर्म्स ऑफ वेट की बात करें तो H11 मुझे स्लाइटली हल्का लगा एज कम्पेयर टू कॉस्मिक बाइट यूरानोस। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों कॉस्मिक बाइट यूरानोस का जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये कर्व बिल्कुल सर्कल जैसा डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। जबकि हम H11 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा सर्कल नहीं बनता, कहीं ना कहीं हल्का सा यहाँ पे फ्लैट मिलता है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या होता है ना, जब आप इस हेडसेट को पहनते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट लगता है। और इतना कंफर्ट है कि पूरा दिन पहन करके भी आप गेम खेल सकते हैं, इतना ज़्यादा हल्का भी है ये हेडसेट। तो कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर विनर होता है अपना कॉस्मिक बाइट H11। इन द सेम टाइम अगर हम यूरानोस की बात करें ना, तो जब आप इस हेडफोन को पहनते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कर्व दिया हुआ है और काफ़ी हार्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके कान का जो नीचे वाला एरिया होता है उसे काफ़ी ज़्यादा जोर से दबा करके रखता है। ऑन डेट केस मुझे स्लाइटली अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, हालांकि लंबे समय तक खेलने के बावजूद मेरे कानों में उतना ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ। बट चांसेस है अगर आप 2-3 घंटे से भी ज़्यादा गेम खेलते हो आपके कान के नीचे में धीरे धीरे पेन होना शुरू हो सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा ऑन दिस कॉस्मिक बाइट यूरानोस गेमिंग हेडसेट। इसी के साथ साथ दोस्तों दोनों ही हेडफोन में आपको मिलते हैं ब्रेडेड केबल एंड ओवरऑल केबल क्वालिटी जो है मुझे काफ़ी हद तक सही लगा। और इसी के साथ साथ कॉस्मिक बाइट H11 में आपको मिलते हैं सिंगल 3.5mm जैक एंड यूरानोस में मिलता है आपको दो जैक, 1 3.5mm जैक एंड 1 USB जैक। अब इसका क्या मतलब, तो भाई कॉस्मिक बाइट H11 में RGB का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे सिंगल जैक दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे RGB का सपोर्ट मिलता है और यूरानोस इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा USB जैक मिलता है जिसके हेल्प से आप इसके RGB लाइट को ग्लो कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम कॉस्मिक बाइट यूरानोस की RGB लाइट की बात करें तो दोस्तों लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिया हुआ है जो इसके लुक को एक कूल टच दे देता है। लाइट्स खुद ब खुद फेडिंग इफेक्ट के साथ में ग्लो होते रहते हैं, इसे आप खुद से कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं कर पाओगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो कॉस्मिक बाइट H11 आपको मिलता है 40mm का ड्राइवर और कॉस्मिक बाइट यूरानोस में मिलता है आपको 50mm का ड्राइवर। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कहीं ना कहीं कॉस्मिक बाइट यूरानोस का साउंड जो है स्लाइटली लाउडर है एज कम्पेयर टू H11। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, गेम खेलते वक्त किसका एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा बेटर लगा। दोनों ही हेडफोन का साउंड काफ़ी बेहतरीन है टू बी फ्रैंक। हालांकि यूरानोस का साउंड स्लाइटली लाउडर है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे गेम खेलते हैं तो गन शॉट्स की जो आवाज़ होते हैं वो आपके कानों में काफ़ी ज़्यादा चुभते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा स्लाइटली वॉल्यूम कम करके खेलिए, आपके कानों के लिए भी सही रहेगा और गेम खेलने में आपके कानों को काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात ये आती है जब इसकी साउंड को थोड़ा सा कम कर दोगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम स्लाइटली हायर है, थोड़ा वॉल्यूम कम करोगे तो वॉल्यूम लेवल बिल्कुल H11 के समान ही आ जाता है। तो गेम खेलोगे एट सेम वॉल्यूम आपको सेम एक्सपीरियंस ही मिलेगा, यहां पे मुझे कोई भी डिफरेंसेस नहीं लगा। हाँ, हालांकि जब आप म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं तो ऑन डेट केस मुझे कहीं ना कहीं यूरानोस का साउंड स्लाइटली लाउडर और स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू दिस कॉस्मिक बाइट H11। अब चलिए बात करते हैं हम दोनों ही हेडसेट की माइक्रोफोन की क्वालिटी किसकी बेहतर है। तो चलिए आपको हम लाइव माइक की टेस्ट सुना देते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कॉस्मिक बाइट H11 में आपको मिलता है फ्लेक्सिबल माइक्रोफोन और कॉस्मिक बाइट यूरानोस में भी आपको मिलता है फ्लेक्सिबल माइक्रोफोन, और दोनों ही माइक्रोफोन का जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगा। राइट नाउ जो ऑडियो आप सुन पा रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्मिक बाइट यूरानोस RGB गेमिंग हेडसेट माइक्रोफोन। और आई बिलीव लगभग आपको आइडिया लग चुका होगा इस गेमिंग हेडसेट की ओवरऑल माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। राइट नाउ जो ऑडियो आप सुन पा रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्मिक बाइट H11 गेमिंग हेडसेट माइक्रोफोन, और डेफिनेटली आपको ऑडियो क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस लग रहा होगा।
आपको दोनों ही हेडफोन में से कौन सा हेडफोन का माइक्रोफोन क्वालिटी बेटर लगा, आप हमें नीचे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सा हेडफोन मैं आपको रेकमेंड करूंगा। देखो मेरे भाई, दोनों ही हेडफोन काफ़ी बेहतरीन है और दोनों में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। H11 एक परफेक्ट हेडसेट है। अगर आप हर चीज़ की बात करो, साउंड जो है बैलेंस है, जितना होना चाहिए उतना ही है, कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक कंप्लीट पैकेज में मैं बोलूँगा H11 इज़ माई पर्सनल फेवरेट हेडसेट, आप इसको ले सकते हैं। बट इन द सेम टाइम अगर आप गेम के साथ साथ म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हैं और आपको कंफर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो मैं बताया कान के नीचे पेन होता है राइट, इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा। अगर ये वाली प्रॉब्लम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन डेट केस आप डेफिनेटली इस कॉस्मिक बट इरानोस के साथ में जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करना। और दोनों में से जो भी हेडफोन लेना है प्लीज़ मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है आपके लिए। हमने दोनों ही हेडफोन बाय कर लिया है बस कंपेयर करने के लिए, ताकि मैं आपको बेस्ट प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकूँ। हमारे लिंक से लोगे तो भाई हमें भी हेल्प हो जाएगी और दोनों हेडसेट आपको मिल जाएगी एट दी बेस्ट प्राइस। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।